नमस्कार दोस्तों, गुरु फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड सीविन प्रोडिक्शन में। तो दोस्तों में जो मैच कवर करने वाले हैं शारजहाँ CBFS T20 का 2600 मैच है, जो कि दोस्तों अभी खेला जाएगा। MGM वैसे TBS टीम्स के भी टेबल एनालिसिस करेंगे स्पीड में फुल स्ट्रेस पोजन पर। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक करके शुरुआत करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मैच का जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, फाइनल टीम मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दोस्तों बात करें मैच की, तो मैच सबसे कुछ देर बाद रात में 10 बजे से स्टार्ट होगा, और दोस्तों मैच होने वाला है शारजहाँ क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं की विकेट की, तो बैलेंस विकेट मान के आप अपनी टीम क्रिएट करिएगा। हालांकि दोस्तों बॉलर्स को शुरुआती ओवर में यहाँ पर एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, दोस्तों जो टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है, क्योंकि दोस्तों डेथ ओवर्स में बॉलर कुछ ना कुछ विकेट निकाल ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो टीम सेकंड बॉलिंग करती है तो सेकंड बॉलिंग यहाँ पर उतना ईजी होता नहीं है, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाता है, तो ड्यू की वजह से बॉलिंग थोड़ा सा मतलब मुश्किल रहती है और बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है स्कोरिंग करना। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करना चाहेगी, और 142-160 के बीच स्कोरिंग आपको फर्स्ट इनिंग में देखने को मिल सकती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे MGM टीम की। इनके 6 मैच अब तक हुए हैं, 3 मैच में इन्हें जीत हासिल किया, 2 मैच में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और 1 मैच इनका अबॉन्डेड हुआ था। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे अंसार खान और मोहम्मद कलीम। बात करें दोस्तों अंसार की, पहले मैच में 25 किए थे, उसके बाद 5, 34, 11 और 41 का स्कोर किया हुआ है। हालांकि लास्ट मैच में एक भी ओवर की बॉलिंग नहीं की, उससे पहले एक ओवर डाल थे, लेकिन उसके पहले अच्छी बॉलिंग करा रहे थे 2 से लेकर 4 ओवर की। अब दोस्तों ये आपको कुछ ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, बॉलिंग हालांकि इनका श्योर नहीं रहता है, किसी मैच में 4 ओवर डाले हुए हैं, किसी मैच में 2 ओवर डाले हुए हैं और किसी किसी मैच में बॉलिंग भी नहीं किए हुए। तो एज अ बैट्समैन अपनी टीम में आप ले सकते हो। हालांकि बैट्समैन काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग नेचर से बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, कैप्टन भी है टीम के, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कभी भी बॉलिंग कर जाते हैं, तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर जरूर रखिए। CBC सिर्फ ग्रैंड लीग में यूज करिएगा, स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा। बात करें दोस्तों हफीज की, ज्यादा टैलेंटेड बैट्समैन नहीं है, सिर्फ पहले मैच में 31 का स्कोर आया था, उसके बाद आखिरी के 3 मैच से देखिए 16, 0 और 14 का स्कोर किया हुआ है। तो सिर्फ GL में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग बहुत ज्यादा रिस्की रहेंगे, कभी कभार ओपन भी हो सकता है ना करें, हालांकि ओपन करने के चांसेस हैं क्योंकि रेगुलर ओपनर है। बात करें दोस्तों बिलाल आसिफ की, पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं, वहाँ का डोमेस्टिक का बंदा है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिनर है, राइट हैंड बैट्समैन है, आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। यदि इनका ओवरऑल T20 का देखेंगे तो 43 मैच के अंदर इन्होंने 447 रन का स्कोर किया और साथ में 48 विकेट चटकाया हुआ है। पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में रिकॉर्ड है इनका, तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का आप समझ सकते हैं। प्लेयर यदि यहाँ पे खेलेगा तो बिल्कुल अच्छा करने वाला है। लास्ट मैच खेले, अभी तक अवेलेबल थे नहीं, वहाँ पर 28 रन बल्लेस किए और 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला। ये आपको पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए देखेंगे, प्लस 1 रन बैटिंग करते हुए देखेंगे, तो स्मॉल लीग में बढ़िया कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। हालांकि अभी इनको ज्यादा लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर नहीं रहे। बात करें दोस्तों वकास अली की, सिर्फ 2 इनिंग इनके अच्छे हैं, 31 और 44 और 57, 3 इनिंग अच्छे खेले हुए, सिर्फ 2 फेलियर हैं। तो स्पेशलिस्ट टीम का बैट फर्स्ट होता है, 2 डाउन बैटिंग करेंगे तो आपके लिए मस्ट पिक हो जाएंगे। तो बैट फर्स्ट यदि टीम करें जरूर ट्राई करिएगा, बैट सेकंड में छोड़ सकते हो सकता है उतना ज़्यादा बैटिंग ना मिले। मयंक चौधरी कुछ खास पिक रहेंगे नहीं, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो सिर्फ GL में रोटेट करिएगा। बात करें दोस्तों राहुल चोपड़ा की, कीपिंग सेक्शन से अपने ट्राई कर सकते हो। अब बीच में देख रहे हैं 1 ओवर की 1 मैच में बॉलिंग करी थी, क्योंकि इनके पास दोस्तों मयंक चौधरी भी विकेट कीपिंग कराना जानते हैं, तो कभी कभी क्या होता है मयंक चौधरी बॉलिंग नहीं करा पाते, बॉलिंग ये भी कर लेते हैं सॉरी। तो ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो कि विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब इनमें से एक प्लेयर विकेट कीपिंग कर लेता है तो दूसरा के बॉलिंग पे आ जाता है, ऐसा कुछ हो गया था। पहले मैच में मयंक चौधरी ने 1 ओवर डाल दिया था, बाकी यहाँ पर जिस मैच में राहुल चोपड़ा ने 1 ओवर की बॉलिंग की थी उस मैच में कीपिंग करने लगे थे मयंक चौधरी, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन चौधरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे चोपड़ा, क्योंकि चौधरी बैटिंग सेक्शन में दिए हैं, चोपड़ा विकेट कीपिंग सेक्शन में दिए, और विकेट कीपिंग मोस्ट ऑफ द मैचेस में चोपड़ा ही कर रहा है, तो अपने चोपड़ा को प्रेफर करना है कीपिंग सेक्शन से। आदिल मलिक की बात करें, लेग ब्रेक बॉलर है, यदि बॉल फर्स्ट हुआ तो इसको ट्राई करिएगा, बॉल सेकंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। हालांकि सबको आपको बताएगा स्पिनर बॉल सेकंड में इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं भी कहता हूँ बॉल सेकंड में चेंजिंग में स्पिनर हमेशा अच्छा करते हैं, लेकिन सेकंड में यदि ड्यू आ गई तो ड्यू में फिर इनके ओवर कट हो जाते हैं। एक मैच में क्या हुआ था, मैंने अपनी टीम इनको ले रखा था और सेकंड इनिंग की बॉलिंग थी, बाय मिस्टेक मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्पिनर है और इसने सिर्फ 2 ओवर डाले, फिर मेरे को समझ में आता भाई स्पिनर है, स्पिनर के लिए तो और मुश्किल होता है मतलब सेकंड इनिंग में यदि ड्यू आ जाती है बॉलिंग करना, लेकिन ड्यू नहीं आएगी तो 4 ओवर करके जाएंगे। बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर नहीं है, शोएब मलिक के अंडर ट्राई की इन्होंने कोचिंग वगैरह की हुई है अपनी, और शायद उनके भाई वगैरह हैं ऐसा कुछ मैंने कमेंटेटर से सुना था, 4-4 ओवर की बॉलिंग ये करा रहे थे। यदि ड्यू नहीं आएगी तो पूरे 4 ओवर डालेंगे, नहीं 2 डाल के जाएंगे, और विकेट सिर्फ एक ही मैच में मिला हुआ 3 विकेट, यदि विकेट से टर्न मिला तो बहुत कारगर साबित होंगे, नहीं तो फिर विकेट ले जाएंगे। तो GL ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्क रहेगा। नियाज खान की बात करें,
इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है, और ये मतलब इन्होंने इनके जो इन्होंने जो कोचिंग ली हुई है वो हसन अली के अंडर में लेकर रही हुई पाकिस्तान के पेस बॉलर। ये भी पेस बॉलर है, अच्छे खासे विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर है। पहले मैच में 2 विकेट निकाले, दूसरे मैच में 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 3 विकेट, तो देखेंगे तो हर मैच में ऑलमोस्ट उन्होंने विकेट निकाले, 7 विकेट ले चुके हैं 4 मैच के अंदर, और बैटिंग से रन भी बना सकते हैं। मेनली एक बॉलर है, लेकिन अभी ऑलराउंडर सेक्शन में मेंशन हो गए, तो एक अच्छी पिक रहेगी। बॉल फर्स्ट में आप सीबीसी के रूप में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं, डेथ में भी बॉलिंग करेंगे, नई बॉल से भी कराएंगे, और लास्ट में थोड़ा हिटिंग भी कर लेते हैं, तो अपने इस प्लेयर को जरूर ट्राई करना। दानिश कुरैशी की बात करें, ये अच्छे बॉलर है, और मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस टीम के काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, और शुरू में आपको 2 ओवर करते हुए देखेंगे, फिर लास्ट में आ जाते हैं, एक आध ओवर लेके विकेट लेके जाते हैं, जनरली एक आध विकेट तो ले ही लेते हैं। लास्ट मैच में 2 विकेट निकाला, उसके पहले 1 विकेट, उसके पहले यहाँ पर इनका ओवर कट हुआ था, लेकिन उसके पहले 4-4 ओवर करा रहे थे, तो ज़्यादातर मैच में 4-4 ओवर करके जाते हैं, तो जरूर ट्राई करिएगा, अच्छी पिक रहेगी। मुस्तफा छोड़ के चल रहे हैं आपने, नवाब खान पता नहीं किस्मत इनका बहुत अच्छा साथ दे रही है, हर मैच में विकेट मिल जा रहा है, लास्ट गेम में 2 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, और यहाँ पे भी 2 विकेट, तो फिर से धीरे भाई ले लीजिए, 2 विकेट लेके जाएगा, 60 पॉइंट आपके 50 पॉइंट कन्फर्म है। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है यहाँ पे एमजीएम का, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर लगभग यही आपको दिखेगा। यदि कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी नया प्लेयर बेंच से लाइनअप में जुड़ेगा, तो उसका रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। फाइनल जो इस मैच की टीम मिलेगी आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, तो आप जल्दी से आगे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन किया होगा, क्लिक करके तुरंत आपने टेलीग्राम पर एंट्री ले लेनी है। और हाँ दोस्तों, आपने यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था तो लाइक जरूर कर देना। अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड टीम जो है टीबीएस की, तो इनके भी 6 मैच हुए हैं, 3 मैच विन जीत हासिल के बाद 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा, और 1 मैच इनका भी अबाउंडेड हुआ है, तो दोनों टीमें लगभग बराबर सी हैं, लेकिन सामने वाली टीम फिर भी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी बिलाल आसिफ के आने से। बात करें दोस्तों फिर इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए दिखेंगे दिलशान मुनावीरा और रशीद जावद खानी। बात करें दोस्तों मुनावीरा की, राइट हैंड बैट्समैन है, श्रीलंका के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने भी खेली हुई है, लास्ट गेम में 29 का स्कोर किया, 1 ओवर डाले, विकेट लेते, उसके बाद 24 का स्कोर था, 8 का स्कोर था, लेकिन एक चीज़ है, लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो इन्हें जब भी बॉलिंग करी हुई विकेट निकाले हुए, यहाँ पे 3 ओवर डाले तो 2 विकेट ले गए, यहाँ पे 2 ओवर डाले तो 2 विकेट ले गए, फिर आप बॉलिंग करी नहीं लास्ट में, पता नहीं जब इनको विकेट मिल रहा है बॉलिंग से तो बॉलिंग क्यों नहीं करते। तो अपनी टीम में आप ऐसा प्लेयर रखिएगा वो बॉलिंग से और है नहीं, हालांकि ओपन करेंगे तो 20 से 25 रन आप ओपनिंग में से उम्मीद कर सकते हैं, तो आप ऐसा प्लेयर ले लीजिए, सीबीसी सिर्फ ग्रांड लीग पे ही बनाइएगा। बात करें दोस्तों जावद घानी की, दिन की टीम में कोई टैलेंटेड बैट्समैन है तो सबसे टैलेंटेड बैट्समैन जावद घानी ही है, अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी अच्छा नाम है डोमेस्टिक लेवल पे इनका, राइट हैंड बैट्समैन है, मीडियम पेस बॉलिंग कराना भी जानते हैं, पहले मैच में 43 रन किए थे, दूसरे मैच में 32 किए, लास्ट मैच में 10 रन पे आउट हो गए थे, जब तक रहेंगे शॉट्स खेलते रहेंगे, 20-25 बॉल भी खेल गए तो 50 इजीली जड़ देंगे, ऐसे टाइप के बैट्समैन हैं। और बॉलिंग लास्ट मैच में, सेकंड लास्ट मैच में 3 ओवर डालते, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, उससे पहले 2 ओवर डालते, तो बॉलिंग आपको 2 से लेकर 3 ओवर ही डालते हुए नजर आएंगे, और लेकिन उसमें विकेट लेके जाते हैं, 2 विकेट निकाले हुए अब तक, तो अपने अपनी टीम में सीबीसी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग इनकी कमाल की है, बैटिंग ऑलराउंडर आप इनको समझ सकते हैं। अली आबिद की बात करें, लास्ट मैच में ऊपर आए थे और 35 रन जड़े थे, तो इनको जब जब मौका मिलेगा अच्छा परफॉर्म करेंगे, बस पता नहीं अभी तक नीचे क्यों खेल रहे थे, हालांकि अभी 42 और 35 के 2 इनिंग इनके नाम अच्छी हैं, तो जरूर ट्राई कर सकते हो, बैट पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हबीब की बात करें, लास्ट के 2 गेम सब अच्छा कर रहे हैं, लास्ट मैच में कोई इनको नहीं लेके जा रहा था, ज्यादा हमने लिया होता 70 रन किए प्लस 2 विकेट निकाले 4 ओवर डाले, उसके पहले 52 रन प्लस 1 विकेट 3 विकेट था, अभी इनको मौका मिल रहा तो परफॉर्म कर रहे हैं, जेल में सीबीसी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, स्मॉल लीग में ऐसे प्लेयर जरूर लीजिएगा, समझी छोड़ दीजिए। फयाज अहमद एक बहुत अच्छी पिक रहेंगे, लास्ट गेम में भी 4 ओवर पूरे डालते, 3 विकेट निकाले हम सफल है, उसके पहले 2 विकेट, उसके पहले 43 रन किए थे विकेटलेस है, तो आपको बैटिंग से भी बैकअप दे सकते हैं, नंबर 6 पे आ जाएंगे, बॉलिंग सेक्शन में जरूर दिए हैं लेकिन बैटिंग भी काफी अच्छी कर लेते हैं, तो इनको भी आपने पिक करना है। शहबाज को सिर्फ बॉलिंग फर्स्ट, जेल में ट्राई करिएगा, स्मॉल लीग रिस्की रहेंगे, 3 से 4 ओवर डाल सकते हैं, कभी कभार डेथ में डाल देते हैं, तो ग्रांड लीग ट्राई कर लीजिएगा। नीचे देखेंगे आपको सज्जाद, मुझे कुछ खास लगे नहीं, छोड़ दीजिएगा इनको आपने, नीचे देखें रहमान को भी आपने छोड़ के चलना है, मिलिंदा पुष्प कुमार श्रीलंका के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट इन्होंने भी खेला हुआ, लास्ट गेम में 1 विकेट था, उसके बाद 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो हर मैच में भी विकेट निकाल चुके हैं, 4 मैच के अंदर 7 विकेट इन्होंने भी निकाला हुआ है, तो इनको भी अपने लेके चलना है। सद्दाब हुसैन लेफ्ट आर्म पेसर है और बॉल फर्स्ट हुआ तो ट्राई कर सकते हो, लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले, उसके पहले 1 गेम खेल लेते, उसके पहले विकेट लेते, फिर 2 विकेट, फिर विकेट लेते, तो ठीक ठाक चॉइस रहेगी, जीएल के अंदर आपके लिए पंडित साबित हो सकते हैं, ट्राई करिएगा। बेंच में कुछ प्लेयर दिख रहे हैं, इसमें जो भी खेलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और यदि सेम प्लेइंग 11 रहता है तो आप सेम रहेगा, यदि इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो फाइनल अपडेट, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। अभी के लिए क्या टीम है, चलिए हम टीम देख लेते हैं, लेकिन फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक दिया हुआ इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, क्लिक करिए और तुरंत टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। अभी के लिए दोस्तों हमारा फैंटेसी टीम ये है और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये टीम दोस्तों आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो, यदि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो बेशक आप अपने हिसाब से प्रीव्यू को यूज करके कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं, क्रेडिट कोई समस्या नहीं आएगी, सब प्लेटफॉर्म पर आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन यदि इस टीम में हम कोई चेंजेस करेंगे आफ्टर टॉस लाइनअप आने के बाद, टॉस होने के बाद टीम जनरली चेंजेस करने पड़ते हैं थोड़ा बहुत, तो जो फाइनल टीम होगी इस मैच की वो टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी आपको, जिसका लिंक दिया हुआ है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, आपने क्लिक करना है लिंक में और तुरंत टेलीग्राम चैनल पर एंट्री ले लेनी है। बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो इसमें राहुल चोपड़ा के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में इनसे बेस्ट ऑप्शन नहीं रहेगा, सेफ ऑप्शन है और कोई उतना अच्छा ऑप्शन है नहीं, आप इन्हीं को प्रेफर करिए। बैटिंग सेक्शन में डी मुनावुरा को लिया हुआ है, अंसार खान को लिया हुआ है, यहाँ से अली आबिद मेरी टीम में रहने वाले हैं।
अब बात करें दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की, तो इसमें बिलाल आसिफ को लिया हुआ है, ए हबीब मेरी टीम में, जावद खानी मेरी टीम में और नियाज खान रहने वाले हैं। चारों आपके लिए मस्ट पिक हैं, इनमें से किसी को भी आप रोटेट मत करिएगा। बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की, तो इसमें पुष्प कुमारा को लिया हुआ है, फयाज अहमद और नवाब खान मेरी टीम में, दानिश कुरैशी को नवाब की जगह आप जरूर ट्राई कर सकते हो, वो एक आपके लिए पिक रहेगी। बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन में बिलाल आसिफ रहने वाले हैं, हालांकि इनका कैप्टन वाइस कैप्टन अभी इनको ज्यादा लोग बना नहीं रहे, लेकिन कमाल के ऑलराउंडर है, कैप्टन लाइक प्लेयर है, वाइस कैप्टन है जावद खानी को दिया हुआ। हालांकि दोस्तों बीसी आप चेंज कर सकते हो, बैटिंग ऑलराउंडर है जावद खानी, कुछ बॉल क्लिक कर गए तो लंबे स्कोर करते हुए नजर आएंगे, इसलिए मैंने वीसी किया हुआ है। आप वीसी की जगह हबीब को भी कर सकते हो, इसके अलावा अंसार खान को भी कर सकते हो, इसके अलावा बॉलिंग से भी आप ट्राई करना चाहें तो नियाज खान भी वाइस कैप्टनसी के बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों अभी के लिए हमारा स्मॉल लीग का टीम यही है, लेकिन इस टीम आफ्टर टॉस थोड़ा बहुत इस टीम में कोई भी चेंजेस होते हैं तो फाइनल टीम हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, आपने क्लिक करना है तुरंत ज्वाइन हो जाना है, और यदि फर्स्ट कमेंट में आप चेक करोगे तो वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। और ये दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया था तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।